नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूँ आपके साथ रत्नाकर। नेपाल में एक हेलीकॉप्टर गायब हो गया, उसमें 6 लोग सवार थे। चौपर सोलुखुम्बु से काठमांडू की ओर जा रहा था। सुबह 10 बजे के करीब उसका कंट्रोल टावर से संपर्क टूट गया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल को धमकी मिली है। इस संबंध में पुणे पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को देर रात बठिंडा जेल से फरीदकोट के गुरु गोविंद सिंह मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिश्नोई के वकील उसके पेट में इन्फेक्शन की बात बता रहे हैं। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे NH9 पर भीषण सड़क हादसा हुआ, इसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। भिड़ंत बस और TUV गाड़ी में हुई। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में यमुना के लोहे वाले पुल को ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रेन की आवाजाही भी रोक दी गई है। उद्धव ठाकरे ने BJP को घेरते हुए कहा है कि इन्होंने पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नेताओं के पीछे केंद्रीय एजेंसी लगाई और अब उनको अपने साथ ले लिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने भगवा झंडे के साथ गद्दारी की है। महाराष्ट्र के बीड़ में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट को पकड़ा है। सेक्स रैकेट के पीछे शिवसेना उद्धव गुट के नेता का नाम सामने आया है। अक्षय कुमार इन दिनों अपकमिंग फिल्म ओ माई गॉड 2 को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। पोस्टर में लंबी लंबी जटाएं, माथे पर भस्म और गले में रुद्राक्ष पहने अक्षय को देख फैंस पहले ही काफी एक्साइटेड थे। इस बीच फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया गया है। तमिल फिल्मों के जाने माने अभिनेता अजित कुमार पर प्रोड्यूसर मणिकम नारायण ने चीटिंग का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया है कि अजित ने सालों पहले उनसे पैसे लिए थे और अब तक नहीं लौटाए हैं। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा है कि वो 2 अगस्त से इस मामले की सुनवाई शुरू करेंगे। पीठ ने सभी पक्षकारों से अपने जवाब देने के लिए कहा है। ये थे आज की टॉप 10 खबरें। खबरों का सिलसिला NBC न्यूज पर यूं ही लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ में NBC न्यूज पर। नमस्कार।